हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज़ महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज हम अपने इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग जैव अणु कहते हैं, और जो उसके जो वेरियस टाइप्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चल तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इस संसार में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वे सभी की सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह एक ही प्रकार के केमिकल के द्वारा बने होते हैं, यानी कि वह एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे बायो मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम लोग हिंदी में जैव अणु कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिफिनेशन जैव अणु का यानी बायो मॉलिक्यूल्स का लिखा है कि बायो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू। तो किसी भी लिविंग टिश्यू में के अंतर्गत जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन सभी कार्बनिक पदार्थों को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उस लिविंग बीइंग के फंक्शन को, उस लिविंग बीइंग के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको सस्टेन बनाए रखते हैं। वे सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा हमारा है सेलुलर पूल। सेलुलर पूल किसे कहते हैं, सेलुलर पूल इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड एंड आयन प्रेजेंट इन द सेल। तो किसी भी सेल के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड हैं या आयन जो हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर पूल कहते हैं। अगर हम किसी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या किसी माइक्रोबियल पेस्ट को अगर हम उसको एनालाइज करें, उनके बायो मॉलिक्यूल को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो बायो मॉलिक्यूल्स इनमें हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इनकी सिमिलरिटी आपको दिखने को मिलेगी। इसके साथ जो हमारा अर्थ जो क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उतने ही एलिमेंट लगभग आपको एक लिविंग टिश्यू के अंतर्गत आपको दिखेंगे, एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन का जो इनमें अबंडेंस है, जो इनका इनमें जो परसेंटेज है, आप पाएंगे कि जो लिविंग टिश्यू है इनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो आपको अर्थ क्रस्ट से आपको ज़्यादा दिखेगा। अगर हम बायो मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो बायो मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, तीसरा हमारा होता है लिपिड और चौथा प्रकार जो हमारा है वह है न्यूक्लिक एसिड। अगर इन तो जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो या न्यूक्लिक एसिड हो, अगर हम इसको क्लासिफाई करें इसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, तो हम कहेंगे कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम इसको दो मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारे पास है मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स के, कि माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, यानी वे सभी बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन के बीच हो या लेस देन 1000 डाल्टन के बीच हो, उन सभी बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोग माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आई रिपीट, ऐसे बायो मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 डाल्टन से
लेकर के 800 डाल्टन के बीच हो या लेस देन 1000 डाल्टन के बीच हो, ऐसे बायोमालिक्यूल्स को हम लोग माइक्रोबायोमालिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे बायोमालिक्यूल्स हैं उनके मोनोमर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर फॉर्म होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। सिमिलरली जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके अंतर्गत आपको दिखेंगे। सिमिलरली जो हमारे लिपिड्स हैं, लिपिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड या जो ग्लिसराल हैं, वो इसके अंतर्गत आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं उसके जो मोनोमर फॉर्म होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, बेस एंड शुगर, वो सारे के सारे जो हैं इसके अंतर्गत आप दिखेंगे। यानी कि ऐसे बायोमालिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन के बीच हो, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो बायोमालिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा है मैक्रोबायोमालिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो मैक्रोबायोमालिक्यूल्स ऐसे बायोमालिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मोर देन 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ऐसे सभी बायोमालिक्यूल्स को हम लोग मैक्रोबायोमालिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड, और जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड है, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा बायोमालिक्यूल्स होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वह बायोमालिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अगर हमें बायोमालिक्यूल को सेपरेट करना हो, अगर बायोमालिक्यूल को आइसोलेट करना हो, अगर हमें ये जानना है कि किस प्रकार से हम माइक्रोबायोमालिक्यूल्स को और मैक्रोबायोमालिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर बायोमालिक्यूल्स को प्राप्त करना है, माइक्रो या मैक्रोबायोमालिक्यूल को प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास एक सेल होने चाहिए या टिश्यू होने चाहिए। तो हम सेल या टिश्यू को ले लेते हैं। तो हमारे पास एक टिश्यू है, इस टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, क्रंच कर लेंगे, इसका पाउडर फॉर्म बना देंगे। और पाउडर फॉर्म बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड यानी कि ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड को हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे एक स्लरी सब्सटेंस बन जाएगा, एक चिपचिपा मिश्रण हमारे पास मिलकर बन जाएगा। अब इस मिश्रण को हम लोग क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे और इस जार के ऊपर एक फनल लगा देंगे। और इस फनल के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज पेपर या चीज क्लॉथ या कोई फिल्टर पेपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने स्लरी सब्सटेंस हमने प्रिपेयर अभी किया है, इस स्लरी सब्सटेंस को इस फनल के ऊपर डाल देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर डालेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बायोमालिक्यूल्स थे जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड में जो एसिड था उसमें घुल चुके थे। तो घुल करके क्या करेंगे, ये नीचे की ओर आ जाएंगे, यानी कि फनल से होते हुए ये हमारे पास फ्लास्क के नीचे आ जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर रह जाएंगे। तो जो इस फिल्टर पेपर को फिल्टर कर लेंगे उनको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। क्यों फिल्टर कर लिए, क्योंकि ये क्या थे, एसिड में सॉल्युबल थे, इसलिए हम लोग एसिड इनको सॉल्युबल भी कहते हैं या इनको फिल्ट्रेट कहते हैं। सिमिलरली जो इसके ऊपर रह गया, जो फनल के जो चीज क्लॉथ में या फिल्टर के पेपर में रह गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहा होगा, यानी कि वह एसिड इनसॉल्युबल थे, एसिड में घुल नहीं सके, जिसकी वजह से ऊपर ही रह गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रिटेंटेंट कहते हैं। जब हमने देखा कि जो फिल्टर आउट कर चुके थे, जो फिल्ट्रेट हो चुके थे, जो एसिड सॉल्युबल है, जब हमने उनको देखा तो हमने पाया कि ये इसमें अमाइनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, ग्लिसराल थे, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड थे। जब इनके मॉलिक्यूलर वेट को हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि इनको जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन के बीच में था। इसलिए हमने क्या कहा कि इनको हमने कहा माइक्रोबायोमालिक्यूल। और जो ऊपर रह गए थे, जो एसिड में नहीं घुल सके, उनको एसिड इनसॉल्युबल कहा यानी रिटेंटेंट कहा। और इनका जो मॉलिक्यूलर जो वेट था वो मोर देन 1000 डाल्टन की वजह से ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो पाए। इसमें थे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और
न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो हमारा बायो मॉलिक्यूल से अगर आपसे कोई पूछ दे कि बायो मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि ऑल द कार्बनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंतर्गत जितने भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उन सभी कार्बनिक पदार्थों को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर हम इसको क्लासीफाई करें इनके मॉलिक्यूलर वेट में तो दो प्रकार से बांट सकते हैं, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल और मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। अगर डिफिनेशन की बात करें माइक्रो बायो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स आर दोज बायो मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर वेट इज इन बिटवीन 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन आर लेस देन 1000 डाल्टन। दीज आर एसिड सॉल्युबल आर फिल्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसराल, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इन अदर हैंड मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स आर दोज बायो मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर वेट इज इन बिटवीन द मोर देन 1000 डाल्टन। दीज आर एसिड इनसॉल्युबल आर रिटेंटेड दैट फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह लिपिड हो या फिर जो न्यूक्लिक एसिड है, इन सबको फर्दर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शन को और इनके जो वेरियस टाइप्स हैं इन सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, stay healthy. This is Mehfooz and thank you for watching.